नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं गंगा प्राइम, आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। गंगा प्राइम की शुरुआत करने से पहले टॉप 10 पर नजर आते हैं। भारत दौरे से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान, चुनाव के बाद भारत के साथ बड़ी डील, 24 फरवरी को भारत आ रहे हैं ट्रंप। आगरा में ताजमहल का दीदार करेंगे डोनाल्ड ट्रंप। आगरा में सुरक्षा समेत तमाम तैयारियां भी जोरों पर, मुख्यमंत्री योगी कर चुके हैं समीक्षा बैठक। यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में करीब 2.5 लाख छात्रों ने छोड़ा एग्जाम, हिंदी विषय का पेपर छोड़ा, नकल पर सख्ती मानी जा रही है इसकी वजह। उत्तर प्रदेश के होमगार्डों के लिए अच्छी खबर, बढ़े वेतन के चलते ड्यूटी से बेदखल किए गए होमगार्डों को फिर मिलेगी ड्यूटी, डीजी होमगार्ड विजय कुमार ने जारी किया आदेश। यूपी के बजट में तलाकशुदा महिलाओं पर भी मेहरबानी, युवाओं को बजट में दी गई खास तरजीह, तो तलाकशुदा महिलाओं को पेंशन देने का प्रस्ताव। दिल्ली फतह करने के बाद अब आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में लड़ेगी चुनाव, सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ने का पार्टी ने किया ऐलान, बिजली पानी शिक्षा होगा मुख्य मुद्दा। मेरठ में सुरक्षित नहीं खाकी, डीजे बंद करवाने गए पुलिसकर्मियों की भीड़ ने की पिटाई, वीडियो वायरल, 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। गोरखपुर में ओवरलोडेड ट्रक पास करवाने के नाम पर अवैध वसूली कराने वाले 2 एआरटीओ प्रभारी, सिपाही समेत प्राइवेट चालक को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 15 सालों में सरकार को लगाया करोड़ों का चूना। 21 फरवरी को चीन से वापस आएंगे वहां फंसे 130 भारतीय, चीन में फंसे एटा के दंपति ने दी जानकारी, पीएम मोदी और विदेश मंत्रालय के हस्तक्षेप के बाद हो सकेगी वतन वापसी। और जिंदगी के लिए जंग लड़ रहे अमर सिंह ने बच्चन परिवार पर टिप्पणी को लेकर जताया खेद, बोले अमिताभ बच्चन और उनके परिवार को लेकर की गई अपनी टिप्पणियों पर पश्चाताप।